हेलो दोस्तों, आज मैं ये न्यू डिज़ाइन का डोरमेट सिखाऊंगी। ये पुरानी चुन्नियाँ और साड़ियाँ ली हैं, ये देखिएगा कितना सुंदर लग रहा है। ये काफ़ी बड़ा बनाया है। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। आइए मैं इसको बनाना सिखाती हूँ। ये देखिएगा, आज हम नई डिज़ाइन का डोरमेट सिखाएंगे। उसके लिए 3 फिंदे डाले हुए हैं, ये देखें। उल्टा उल्टा हमने तीनों फिंदों को बिन लिया। इधर साइड से हमें एक फिंदे को बढ़ाएंगे इस तरह से। और इधर साइड से बढ़ा लेंगे, कलर को हम चेंज कर लेंगे। ये हम दो दो लाइन डालेंगे इसमें, एक कलर की एक लाइन, दूसरे कलर की एक लाइन। इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। अभी ये देखिएगा, इस तरह से फंदे को बढ़ाते जाएंगे। जब हम फंदे बढ़ा लेंगे, 16 फंदे हम कर लेंगे, फिर आपको हम बताते हैं आगे का किस तरह से बनेगा। ये चार सिलाई हमने निकाल ली हैं और दो दो लाइनें बना रहे हैं। चाचा ये देखिएगा, मैंने 16 फंदे कर लिए हैं। अब क्या करना है, इसको हम एक तरफ से इस तरह से बिनेंगे, दो का एक करेंगे और एक साइड पे हम फंदे को बढ़ाएंगे। ये देखिएगा, इस तरह से हम बढ़ाएंगे इसको, एक साइड बढ़ाएंगे, एक साइड दो का एक करेंगे। ये इसी तरह से हम लाइनें डालते जाएंगे और बनाएंगे, तो दो लाइनें और बनाएंगे ऊपर की साइड। आप जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बना लेंगी, फिर इसको हम उतार देंगे। ये देखिएगा, इस तरह से ये बनेगा। इधर की साइड घट रहे हैं और इधर की साइड बढ़ रहे हैं, तो अब की जो दूसरा पल्ला बनाएंगे तो इधर की साइड हम फंदे को बढ़ाएंगे और इधर की साइड पे हम घटाएंगे। जिस तरह से हम जैकेट बनाते हैं आगे खुली हुई, उसी तरह से ये पल्ले बनेंगे। चार पल्ले बनाएंगे इस तरह से। ये देखिएगा, इस तरह से पल्ले ये हमने बड़े बनाए हैं और इस तरह से ये आगे की साइड खुले हुए हैं। इस तरह से हम जोड़ देंगे इनको, इस तरह से ये कोना मिला देंगे इस तरह से, और ये इस तरह से, तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब इस पे ऊपर की साइड पे लगाने के लिए मैं बताऊंगी। ये देखें, हम 10 फिंदे डाले हैं और ये किस तरह से बनेगा। इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ। ये बहुत जल्दी बन जाता है। एक फंदे को हम नीचे से छोड़ देंगे, ऊपर की साइड कुछ नहीं करना है। ये देखिएगा, एक फंदे को छोड़ दिया, यहीं से सिलाई को पलट लिया है। ये इसी तरह से हम चार सिलाई निकाल लेंगे। देखें, कलर चेंज करेंगे, इसकी भी चार सिलाई निकालेंगे। और एक एक फंदे को हम नीचे की साइड पर छोड़ते जाएंगे। ये देखें, हाफ कली बन के तैयार हो गई है और ऊपर तक हमने एक एक फंदे को छोड़ लिया है। अब देखिएगा किस तरह से बनेगा। ये देखें, दो फंदे हमने बना लिए, सिलाई को यहीं से पलट लिया। ये इसी तरह से हम बनाएंगे, पूरी कली को कंप्लीट करेंगे। एक एक को लेना है इसी तरह से,
जिस तरह हमने एक एक को छोड़ा है उसी तरह से एक एक को हम बनाएंगे। ये देखिएगा इसी तरह से कंप्लीट होगी। अब ये वाला कलर लगाया तो इसकी हम 6 सिलाई निकाल लेंगे, और ये वाली लगाया कलर तो इसकी 6 सिलाई निकाल लेंगे। इसी तरह से ये कंप्लीट हो जाएगी और फिर बाद में उतार देंगे। इसकी 6 हमें कलियां बनानी है। ये देखिएगा इस तरह से ये कलियां बनेंगी। ये हमने 16 फंदे में बनाई हैं, आपको हमने 10 फंदे में बताया है। ये इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। और देखिएगा मैंने 10 फंदे डाले हुए हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें एक एक फंदे को इस तरह से हम बढ़ाएंगे, एक सिलाई निकालने के बाद बढ़ाना चालू कर देंगे। और दो दो फंदे हम नीचे की साइड पे छोड़ेंगे बगैर बुने हुए। ये देखें एक बार और इस तरह से फंदे को बढ़ाएंगे हम, 4 फंदे बढ़ा लेंगे इसी तरह से और नीचे की साइड छोड़ते जाएंगे, फिर आपको हम दिखाते हैं। ये देखें हमने फंदे बढ़ा लिए हैं, अब कलर चेंज फिर करेंगे। ये देखें अब ऊपर की साइड पे फंदे को नहीं बढ़ाएंगे, इसी तरह से ये भी दो दो करके हम छोड़ लेंगे। फिर बाकी बचे हुए हैं सिलाई को पलटते जाएंगे, ये इसी तरह से हम बनाएंगे। अभी देखिएगा हम दो दो करके फिर से बिनने लगे हैं नीचे की साइड पे। ये अभी इसी तरह से बनाएंगे। ये सारे फंदे हम दो दो करके बिन लेंगे। ये कली हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे अभी आगे। अब देखिएगा यहाँ से हम दो फंदे कम करेंगे जो हमने बढ़ाए हुए हैं, 4 फंदे बढ़ाए हुए हैं तो हम 4 कम कर लेंगे इसी तरह से। तो ये भी कली बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिएगा ये कली बनके तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, एक हम इसका बिनेंगे सीधी साइड से, एक इसका बिनेंगे। यहाँ पे चोटी पड़ रही है, इसी तरह से ये हम पूरी लाइन ले जाएंगे। ये देखें या ब्लू वाले को बिनेंगे आगे साइड, फिर इसको, फिर इसको, जो जहाँ फंदे हैं उसी तरह से हम बिनते जाएंगे। देखिएगा बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से अब हम दूसरी कली डालेंगे दूसरे कलर से। तो ये हमने छोटी बनाई है और बीच की कली हमने बड़ी बनाई है। तो इसमें हमने 4 फंदे बढ़ाए थे, उसमें हम 8 फंदे बढ़ाएंगे, 8 से लेके 10 तक बढ़ा सकते हैं। जितनी बड़ी आप इससे बड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी चाहें तो 10 बढ़ा लें। इसी तरह से ये कंप्लीट करेंगे। ये 3-3 कलियाँ बनेंगी, 3 और बीच की एक बनाएंगे, फिर साइड पे एक बनाएंगे तो 3 कली हो जाएंगे। 3 कली के ये बनाएंगे 2। ये देखें इसको हम सिलना बता रहे हैं, पहले इस पीस को हम सिलेंगे इस तरह से। सिल गया है, अब इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे इस वाले पल्ले को यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखें हमने बीच का सिल लिया है। अब ये देखिएगा ये हमने 3 जोड़ लिए हैं, तीनों कलियों को एक साथ इस तरह से हम जोड़ देंगे, इधर साइड भी जोड़ देंगे। बीच की देखिएगा, बीच की ये है तो बीच की हम इस तरह से लगाएंगे। ये देखें इस तरह से हम सिलेंगे। अब हम सिल लेंगे, फिर अब आपको देखा ये वाला पीस जो हम बीच साइड साइड से सिल लिए हैं, अब जो बीच में लगाना है वो इस वाली पत्ती से स्टार्ट करना है। ये देखें इस वाली पत्ती से,
ये देखिएगा इसी तरह से हम सिलेंगे इसको। ये देखिएगा मैंने सिल लिया है इसको, ये कंप्लीट हो गया है। ये काफ़ी बड़ा बनाया है और ये चार साड़ियों में बन के तैयार हो गया है। ये इसी तरह से बनेगा।